हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी तक हमारे रेगुलर स्कूल शुरू नहीं हुए, तो हम लोग आपको वीडियो के साथ एक्टिविटीज और वीडियो के साथ एक्सरसाइज भेज रहे हैं। आज मैं आपके लिए, आपके एंजॉयमेंट के लिए एक नया गेम लेके आया हूँ। उस गेम का नाम है फीड द जोकर, यानी जोकर को खिलाना है। तो क्या खिलाना है उसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे, लेकिन उसके पहले हमें ये गेम किस तरह से घर में तैयार करना है उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके लिए हमें कुछ साधनों की आवश्यकता है। तो क्या है वो चीजें, उसके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए एक ऐसा बॉक्स। आप देख रहे हो, एक मेरे पास एम्प्टी बॉक्स है। ये जो बॉक्स है, इसमें मैंने शर्ट लेके आया था, उस शर्ट का ये बॉक्स है। वैसे ही घर में आपके पास, अगर आपके पापा ने कुछ नए कपड़े लिए होंगे तो उसका अगर बॉक्स उसके साथ आया होगा तो आप उस चीज का यूज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बॉक्स। मेरे पास यहाँ पे एक दूसरा भी बॉक्स है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ये दूसरा बॉक्स है जो सादा ऐसे पड़ा हुआ था, उसका भी हम यूज कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि हमें कपड़ों का ही बॉक्स चाहिए। तो मैंने हमें लगने वाला एक ही बॉक्स। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप ऐसा कुछ बॉक्स बना सकते हो, अगर आपके पास है तो। साथ ही साथ लगने वाले हमें मार्बल। तो यहाँ पे मैंने 5 मार्बल्स लिए हैं, उनको मैं यहाँ पे रखता हूँ। अगर आपके पास इस टाइप के छोटे बॉल है तो ये प्लास्टिक के छोटे बॉल है मेरे पास। मार्बल नहीं है तो आप बॉल यूज कर सकते हो, अगर बॉल नहीं है तो आप मार्बल यूज कर सकते हो। इसकी वजह से ये ऑप्शन में रखा है, मार्बल नहीं तो बॉल्स, इन तो चीजों की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद मेरे पास एक एम्प्टी दही का डब्बा है, जो मैंने मार्केट से दही लेके आया था, उसका जो एम्प्टी डब्बा है उस डब्बे का मैं यूज करने वाला हूँ। एक कटर और ग्लू। उसके बाद लगेगा मुझे एक रफ पेज वाइट, जो आपने आपकी लास्ट ईयर पुरानी बुक में से लेना है, नए बुक को हाथ नहीं लगाना है। लास्ट ईयर पुरानी बुक जिससे आपने ड्राइंग निकाली होगी और पीछे का हिस्सा अच्छा होगा। तो हमारे गेम का नाम है फीड द जोकर। तो सबसे पहले इस वाइट शीट पे क्या करना है, हमें एक जोकर ड्रॉ करना है और उसको कलरफुल बनाना है कुछ इस तरह से। देखो, मैंने यहाँ पे जोकर ड्रॉ किया है और उसको कलरफुल किया है। अब मुझे क्या करना है, तो इस जोकर को मुझे इस ट्रे में पेस्ट करना है। सबसे पहले पेस्ट करना है, यानी चिपका देना है। मैंने यहाँ पे इसको चिपकाने वाला हूं। तो वहां पे लगेगा ग्लू। इस ग्लू को मैं सबसे पहले इस पेज के ऊपर पेस्ट कर देता हूं। यहाँ पे मैंने ग्लू को अच्छे से चिपकाया है और इसको मैं यहाँ पे अभी फिक्स कर देता हूँ जैसे मुझे चाहिए। देखो, जैसे मुझे चाहिए, जिस हिसाब से चाहिए, मैंने इस जोकर को यहाँ पे फिक्स कर लिया है। आप हो गया ये हमारा ट्रे। तो इसके आगे की प्रोसेस क्या होगी वो मैं ये ग्लू सूखने के बाद हम करेंगे, क्योंकि अभी ये गीला है, अगर इसके ऊपर हम कुछ करेंगे तो ये खराब हो जाएगा। तो ये सूखने के बाद हम आगे क्या करना है उसके बारे में जान लेते हैं। अब हमारे 5 मिनट कंप्लीट हो गए, देखते हैं हमारा जोकर अच्छी तरह से सूख गया क्या, चिपक गया क्या। देखो, बहुत अच्छी तरीके से ये चिपक गया है। अब हमें इसको क्या करना है, तो हमें इसका मुंह कट करना है, यानी इसका ये जो हिस्सा है उसको हम कट कर देंगे। तो चलो, हम अभी इसे धीरे से कट कर देंगे। कट करने के लिए हमें यहाँ पे कटर को यूज कर रहे हैं।
अब यहाँ पे हमारा ये फेस कट करके अच्छे से इसे हो चुका है। अब इसको आगे हमें क्या करना है, तो आगे ये जो दही का डब्बा था वो मैं यहाँ पे नीचे इस साइड में ऐसे चिपका दूंगा, ताकि जो भी मेरा बॉल और मार्बल जो भी है जिस चीज से मैं ये गेम खेलने वाला हूँ वो नीचे ना गिर सके, इसलिए मुझे यहाँ पे इसको चिपका देना है। तो अभी ये हमारा फेस कट करके हो चुका है, अभी मुझे यहाँ पे इसको पेस्ट करना है। मैं वापस ग्लू लेके इसको पेस्ट करने वाला हूँ। कुछ समय के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे कि ग्लू चिपक जाने के बाद ये इस तरह से चिपक जाएगा, सूखने के बाद ऐसे दिखेगा और अंदर से इस तरह से। तो अब हमें क्या करना है, तो अब हमें इसमें हमारे जो बॉल थे वो बॉल मैं ट्रे में डालूंगा और उस बॉल को मुझे इसके अंदर यानी इसके मुंह के अंदर डालना है बारी बारी करके। मेरे पास अलग अलग साइज के बॉल है, तो हर एक बॉल इसमें नहीं जा सकता। तो यहाँ पे देखो अब मेरा मुंह थोड़ा सा छोटा हो गया है, तो मैं इसको थोड़ा सा रिपेयर करता हूँ, बढ़ाता हूँ। मैंने इसको अभी इसके डार्क कट कर देता हूँ, तो शायद इसमें बॉल जाए। जैसे कि आपने देखा इसका मुंह छोटा था तब ये जा नहीं पा रहे थे, तो हमने क्या किया इसके दांत कट किए। अभी मैं बॉल इसके अंदर रख देता हूँ और इसको किस तरह से खेलना है वो आप देख लो। अब मुझे क्या करना है, तो ये बॉल को धीरे धीरे इसके अंदर डालने हैं इस तरह से। इस ये गेम जब हम खेलते हैं तो हमारा आई और हैंड के जो कोऑर्डिनेशन है उसमें डेवलपिंग होती है और आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ जाता है, इसके लिए हम ये गेम खेलते हैं। तो देखो अभी ये नंबर 5 वाली जो बॉल है वो मेरे इसके अंदर नहीं जाएगी, तो मैं ये पिंक कलर की बॉल निकाल लेता हूँ हाथ में, क्योंकि वो अंदर गई है। यस, यहाँ पे मेरे पांचों के पांचों बॉल गए। तो जैसे कि मैंने नीचे जो डब्बा लगाया है ये डिब्बा, इस डिब्बे में क्या हो रहा है, चार ही बॉल आ रहे हैं, तो मैं चार बॉल यूज़ कर सकता हूँ। और दूसरी एक बात ऐसी है, अगर आपके पास डिब्बा अवेलेबल नहीं है, आप नहीं लगाओगे चलेगा, तो आपके बॉल्स सारे नीचे आ जाएंगे। बॉल्स के पास आपके पास बॉल्स नहीं है तो मार्बल होंगे, आप मार्बल के साथ भी कर सकते हो। चलो मैं पहले बॉल निकालता हूँ मेरे, फिर वापस आपको एक बार दिखाता हूँ। आ गए सारे बॉल बाहर, ये देखो गेम शुरू कर रहा हूँ मैं वापस एक बार। देखो अब मुझे वन बाय वन करके इसके अंदर डालना है, एक दो तीन चार, चार बॉलें गई हैं और ये वापस नंबर 5। हाँ देखो अगर एक बॉल रहती है तो वो बहुत तंग करती है जाने के लिए, तो उसको उसके अंदर लेके जाना। यस गई, इस तरह से हमें ये बॉल वापस इसके अंदर डालने हैं और ये इसे हिलाओगे तो वो अपने आप बाहर भी आ जाते। देखो वापस एक बार देखो ये गेम किस तरह से खेलना है। अभी हमें क्या करना है, बॉल को अंदर डालना है। देखो एक साथ दो बॉल गए, तीन चार, ये पिंक गई, बची हुई पिंक को भी मैं डाल देता हूँ। यस इस तरह से गेम खेलना है।
आपके पास अलग अलग कलर के बॉल्स होंगे तो आप उसमें पॉइंट्स भी लिख सकते हो कि कितने पॉइंट्स। अगर मेरे पास पिंक है तो पिंक को मैं 5 पॉइंट्स दे सकता हूँ, ग्रीन है उसको मैं 3 पॉइंट दे सकता हूँ, और पॉइंट टैली भी कर सकता हूँ। तो इससे आपका एडिशन भी हो जाएगा। तो समझ में आया करना है कैसे करना है, कैसे खेलना है, तो आपको आपके पेरेंट्स की हेल्प से ये गेम बनाना है। लेंगे नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तो फिलहाल के लिए बाय।